नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28, 29 और 30 सितंबर का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि, आपके लिए पहला कार्ड आया है टू ऑफ द कप्स का, आपके लिए दूसरा कार्ड आया है द डेथ का और तीसरा कार्ड आया है फोर ऑफ द वांड्स का। 28 तारीख का जो दिन है, इस दिन आपको बहुत एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये दिन बहुत ही एंजॉय भरा रहेगा। इस दिन आप अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ या अपने किसी अंतरंग मित्र के साथ बहुत ही बढ़िया समय बिताएंगे। अगर आप किसी साझे के बिजनेस में हैं, ज्वाइंट वेंचर में हैं, तो वहां से आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। 28 तारीख को आपका जो दिन है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे अच्छे बातें होंगी, आपके जीवन में लगभग सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इस अच्छे को इस्तेमाल करिएगा और अगर किसी के साथ मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 29 तारीख का जो दिन है ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहेगा, वो इस सेंस में क्योंकि 29 तारीख का जो दिन है ये आपके जीवन से कोई एक चीज़ को हटाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसी चीज़ को हटाने की कोशिश करेगा जिसका रिलेवेंस आपकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है किसी संबंध को हटाने की कोशिश करे, हो सकता है किसी सिचुएशन को हटाने की कोशिश करे। दोनों ही परिस्थितियों में आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी क्योंकि एक्चुअली में आपको नहीं पता होगा कि उस व्यक्ति के साथ रिलेशन ब्रेक करने से आपका फ़ायदा है या उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपका फ़ायदा है। तो वर्तमान में चूंकि आपको नहीं पता है इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर द्वारा हो रहा है और आपके फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो इसे स्वीकार करने की कोशिश करें, हस्तक्षेप ना करें। 30 सितंबर के दिन परिवार में कोई उत्सव हो सकता है या आप किसी उत्सव में शामिल हो सकते हैं, कहीं से निमंत्रण मिल सकता है। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और बातचीत चल रही है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है या आप अपना जीवन साथी पा जाएं, ऐसी संभावना 30 तारीख को बनी हुई है। ओवरऑल जो भी है ये 30 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार में खुशियां लाएगा, परिवार के लोगों के साथ आपका सहयोग और आपका सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेमी प्रेमिका का बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप 30 तारीख को रहेगा। पति पत्नी के बीच आपस में संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते थे या अपनी रूठी प्रेमिका या प्रेमी को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए 30 सितंबर को इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो 30 तारीख को यूज़ करें, ये आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल 28 और 30 तारीख आपके लिए बढ़िया है। 29 तारीख को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि जीवन आपके लिए कुछ कर रहा है और वो जो आपके लिए कुछ करता है उसमें कुछ नुकसान भी होता है और नुकसान के बाद ही नई सुबह आती है। तो इसलिए अगर कुछ बुरा 29 तारीख को आपके साथ होता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मान करके शांति से स्वीकार करें, बाकी के दोनों दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों ये था 28, 29 और 30 तारीख का दैनिक राशिफल। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।